तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि तीन पत्ती स्वीट ऐप में बैंक अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है और पैसा विड्रॉ कैसे करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है तीन पत्ती स्वीट ऐप में 400 रुपीज यहाँ पे मैंने विन करके रखा है। तो दोस्तों, इस पैसे को विड्रॉ करने के लिए आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई कैसे करना है और दोस्तों पैसा बैंक में ट्रांसफर कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी और फुल प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बस दोस्तों, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। अगर आप भी तीन पत्ती स्वीट ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये जो मैंने 405 रुपए विन करके रखा है, अभी इस पैसे को जो है मैं मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला हूं। तो उससे पहले दोस्तों, मुझे बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा तो दोस्तों आप देख सकते हो विड्रॉ टू बैंक कार्ड, अगर आपको यूपीआई आईडी वेरीफाई करना है तो विड्रॉ टू यूपीआई आईडी में ऐसे आपको यहां पे आ जाना है। लेकिन दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पे मैं बैंक अकाउंट वेरीफाई करने वाला हूं, इसके लिए विड्रॉ टू बैंक कार्ड पे आ चुका हूं। और दोस्तों, बस आपको क्या करना है, यहां पे ऐड कार्ड करके ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो यहां पे सबसे पहले है अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आपको अपना यहां पे पूरा नाम डालना होगा। उसके बाद देख सकते हो अकाउंट नंबर, यहां पे आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद रीटाइप अकाउंट नंबर, तो यहां पे एक और बार आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। और लास्ट में आपको डालना है बैंक का आईएफएससी कोड, जो भी दोस्तों आपको पासबुक पे देखने को मिल जाएगा आईएफएससी कोड करके, तो वही कोड आपको सेम टू सेम यहां पे डाल देना है। इतना सब कुछ करने के बाद बस यहां पे आपको कंफर्म करना है। तो दोस्तों, आप सभी के सामने वो पूरी की पूरी डिटेल यहां पे मैं डाल देता हूं। फ्रेंड्स, अभी आप यहां पे देख सकते हो जैसे कि मैंने मेरे बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल यहां पे डाल दी है। अभी आप सभी के सामने आप देख सकते हो कंफर्म कर लेता, आप देख सकते हो मैंने कंफर्म किया। दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे ही कंफर्म किया तो दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर पे जो है एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, यानी कि एक मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। आप देख सकते हो ओटीपी आ चुका है। तो दोस्तों, ये ओटीपी मैं यहां पे डाल देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो ओटीपी है 5360। तो दोस्तों, यहां पे मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। आप देख सकते हो 5360, आप देख सकते हो ओके कर लिया। दोस्तों, आप देख सकते हो सबमिट। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने सबमिट किया तो तुरंत ही यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे वेरीफाई करके आ चुका है, एडिट करके आ चुका है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल भी यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि मेरा बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों, अभी बस आपको क्या करना है, अभी बस आपको यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करना है कि आप कितना पैसा विड्रॉ करने वाले हो। तो विड्रॉलेबल बैलेंस यहाँ पे मेरा 250 यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे मैं सिर्फ 100 रुपीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और आप सभी के सामने आप देख सकते हो विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता। आप देख सकते हो विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, विड्रॉ, तो आप देख सकते हो यहां से 100 रुपीज जो है यहां से माइनस हो चुके। तो दोस्तों, यहां से मैं बैक आ चुका हूं और आप देख सकते हो यहां से 100 रुपीज जो है वो माइनस हो चुका है, यानी कि हमारा 100 रुपीज का विड्रॉ लग चुका है, यानी कि 100 रुपीज जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो दोस्तों, ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे जानना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस आपको विड्रॉ वाले ऑप्शन पे आना है और यहां पे कोने में आप देख सकते हो यहां पे एक रिसिप्ट का ऑप्शन है, आप देख सकते हो। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करना है और आप देख सकते हो विड्रॉ, तो ट्रांजेक्शन अमाउंट आप देख सकते हो 100 रुपीज। और दोस्तों, आप देख सकते हो आज की डेट और यहाँ पे टाइम भी शो कर रहा है और यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और स्टेटस आप देख सकते हो इन रिव्यू, यानी कि दोस्तों अभी तक ये पैसा जो है हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। जैसे ये जो यहाँ पे सक्सेस करके आ जाएगा, विड्रॉ सक्सेस करके आ जाएगा, तो दोस्तों समझ लेना कि आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों, ये पैसा अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, पहला विड्रॉल है, इसके लिए दोस्तों टाइम लगेगा, आधे से एक घंटा लगेगा। उसके बाद जो है आपको 5 मिनट के अंदर पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है तीन पत्ती स्वीट ऐप में बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद बड़ी आसानी से अपने बैंक अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।